पब्लिक टीवी आपकी आवाज। मुरादाबाद चैरिटेबल ट्रस्ट एंड हेल्थ रिसर्च सेंटर के सौजन्य से एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल कैंपस स्थित सेंटर फॉर साइट आई हॉस्पिटल में 98वें निःशुल्क नेत्र और सामान्य स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर के आयोजन में जागृति केंद्र मुरादाबाद का सक्रिय सहयोग रहा। शिविर का शुभारंभ मुख्य अतिथि पुलिस अधीक्षक नगर अखिलेश भदौरिया और विशिष्ट अतिथि अजय टंडन महासचिव राष्ट्रीय खत्री चैरिटेबल ट्रस्ट के कर कमलों द्वारा किया गया। सर्वप्रथम अतिथियों ने प्रेरणा स्थल पर जाकर स्वामी विवेकानंद ट्रस्ट के पूर्व सचिव वरिष्ठ समाज सेवी स्वर्गीय विनोद खन्ना और फाउंडर ट्रस्टी स्वर्गीय एल आर तलवार की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इसके पश्चात राष्ट्रगान हुआ। तत्पश्चात आमंत्रित अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। आमंत्रित अतिथियों को मुरादाबाद चैरिटेबल ट्रस्ट एंड हेल्थ रिसर्च सेंटर के द्वारा स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। शिविर में लगभग 245 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया, जिसमें 195 लोगों ने अपना सामान्य स्वास्थ्य परीक्षण और 50 लोगों ने नेत्र परीक्षण कराया, जिसमें 12 मोतियाबिंद के मरीज पाए गए तो वहीं 38 चश्मों के लिए मरीज मिले। आज के कैंप का जो उद्देश्य है वो ये है कि जिन लोगों को फंड की प्रॉब्लम है, ये गरीब लोग हैं, उनकी हम सेवा कर सकें। और चूँकि एक कैटरेक्ट के ऑपरेशन में 8,000 रुपये का मिनिमम खर्चा आता है, तो मोतियाबिंद का जो फ्री ऑपरेशन वो आज हॉस्पिटल के सहयोग से हो रहा है। इसके लिए मैं बहुत ही धन्यवाद देना चाहता हूँ। इसके जो ट्रस्टी हैं उनका बहुत सहयोग मिला है, नीरज खन्ना जी इसके जो ट्रस्टी हैं उन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया है जी। और हॉस्पिटल का जो स्टाफ है उसने भी बहुत सपोर्ट किया है। तो आज जितने भी गरीब तबके के लोग हैं उनको 200-250 लोगों को उम्मीद है कि उन लोगों का जो ऑपरेशन है वो फ्री होगा और उनका आई चेकअप और नॉर्मल ब्लड शुगर वगैरह भी हम लोगों ने चेक किए। तो मैं धन्यवाद अदा करता हूँ हॉस्पिटल का कि हमें इस तरीके से सहयोग मिला। हम दोबारा फिर कभी इस तरीके की कोशिश करेंगे, तो उम्मीद है कि आगे भी हमें सहयोग मिलेगा। मुरादाबाद चैरिटेबल ट्रस्ट एंड हेल्थ सेंटर द्वारा और हमारे गणमान्य पार्टनर जागृति केंद्र के माध्यम से एक हेल्थ चेकअप व निशुल्क आईस चेकअप का कैंप लगाया गया, जिसमें अभी तक जो है करीब 200-250 पेशेंट जो है रजिस्टर्ड हो चुके हैं और उनका ओपीडी चल रहा है। और इसमें एक विशेष बात यह रही है कि जागृति केंद्र वालों ने जो घर में काम करने वाली जो महिलाएं हैं उन लोगों को टारगेट करा है, क्योंकि वो लोग अपने घर से बाहर नहीं निकल पाती व उनके पास पैसे की एक तंगी होती है। तो ये जागृति केंद्र को मैं व उनके अध्यक्ष और उनकी पूरी टीम को बधाई देना चाहूँगा कि इस तरह के लोगों को यहाँ वो आज लेकर के आए और उनको एक ऐसा इलाज का माध्यम मिल रहा है जो उन्होंने शायद अपनी जीवन काल में उन्होंने सोचा भी नहीं होगा। मैं उसके लिए सभी लोगों को, मेरे पूरी टीम को, सभी को मैं धन्यवाद करता हूँ। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।